नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन ब्लॉग स्टार यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो ब्लॉग हमारा स्पेशली होगा, हम अपना घर का टूर कराएंगे, आप सभी को दिखाएंगे हमारा घर कैसा है। पुराना बखरी है, दादा बाबा के ज़माने की, देख पाइएगा सामने अभी भी चल रहा है। तो इसकी भी एक लिमिट है, उम्र है, जैसे कि हमारा उम्र होता है किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, तो जल्दी चला जाता है। वैसे ही घरों का भी पुराने जो होते थे उनका, जैसे ब्रिज देख पाइएगा, जो जितने ब्रिज होते हैं, बड़े वाले नैनी का ब्रिज हो, चाहे झूसी वाला शास्त्री सेतु हो, सभी का जो है कि एक निर्धारित समय होता है। तो वैसे हमारे बकरी का भी एक टाइम पीरियड है कि जब बन रही थी तभी पंडितों ने बनने से पहले ही बता दिया था, जो बना रहे थे इंजीनियर इसके आर्किटेक्चर से, उन्होंने बता दिया था कि आपका बिल्डिंग इतने साल चलनी है। तो वो चीज़ें किसने बताया, कब बताया, वो हमारे दादाजी भी बताएंगे, उससे बात करके दिखाएंगे आपको। फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको अपने घर का जो है टूर कराते हैं। और ये हमारा प्यारा सा घर है, और हम अभी द्वार पर थे। ये बाहर का जो है आंगन है, आप इसको यार्ड बोल सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ पे देख पाइएगा सीन कुछ इस तरह है, छोटा छोटे खटिया हैं। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे बचपन में, तो एक ही खटिया सबका निश्चित होता था, ये हमारा, ये उनका, ये करके रोज शाम को लड़ाई होता था गर्मियों में, जब बाहर द्वार में सोते थे, आंगन में सोते थे हम लोग, कि भैया जितने परिवार है सबका अलग अलग खटिया होता था। वैसे ही साइकिल देख पाइएगा, 4-5 साइकिल है हमारे घर, 2-3 साइकिल है, अभी 2 साइकिल अंदर है, 2 साइकिल बाहर, 1 साइकिल हम अपने इलाहाबाद में रखे हैं जिससे हम चलते हैं वहाँ पे। और ये दो पुरानी दिख पा रही है, बकरी से अटैच है लेकिन ये बकरी में नहीं है। यहाँ पे दादी जी अभी भी हमारी सोती हैं, आराम करती हैं, दादी जी का कमरा है और छोटी सिस्टर रहती है हमारी यहाँ पे। कबाड़ खाना यानी कि लाइब्रेरी है, दिख पाइए किस तरह रखी है अपने किताबों को। पहले इसमें भूसा रखते थे हम लोग, और दादी जी वहाँ सोती थी और इसमें भूसा आधा रखा जाता था, लेकिन अब भूसा रखने का व्यवस्था अलग हो गया है। और यहाँ पे दादी जी सोती हैं और छोटी बहन सोती है हमारी, और यहाँ पे उनकी काफ़ी किताबें हैं। इनके देख पाइए कैसे कुछ बिखरा पड़ा है एकदम। तो ये बखरी के जस्ट सामने ही उत्तर की तरफ ये हमारे चाचा का, यानी कि चाची जो इंस्पायर कर गई, उनका रूम है छोटा सा। तो अब तो ये भी बहुत कम यूज होता है, इसमें आलू रखा गया है, आलू का भंडारण किया गया है। इसमें भी लाइट है, व्यवस्था है, VIP कपड़ा पर रखा गया है, बेड है पुराना, ये इसको पलंग बोलते हैं पहले पलंग होता था पट्टा वाला, ऐसे ही ये और बड़ा होता था क्या, शायद मे भी नहीं, इतना ही बड़ा होता है। ये पुराने जमाने के बस का अटैची वगैरह तमाम चीज़ें व्यवस्था है, देख पाइएगा ये सब है कुछ इसमें पड़ा नहीं है, सब कपड़ा रखे गए हैं बच्चों के, छोटे मोटे, हम सब जब बचपन में थे तो वैसे भी कपड़े रखे गए हैं याद के लिए। और इसको अय्या का रूम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें पहले, बहुत पहले, मेरे दादाजी की माता श्री रहती थी, तो इसलिए इसको अय्या का रूम बोला गया है। और जैसा आप सभी को पता है, हमारा नाम कृष्णा कुमार प्रजापति है, प्रजापति यानी कुम्हार। तो ये देख पाइएगा ये बर्तन, यहाँ पे सभी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर करके रखे जाते हैं। और अब दादाजी बहुत कम काम करते हैं, हमारे दादाजी काम करते थे मिट्टी वाला, हम लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कम, छोटा मोटा बर्तन बना लेते थे, ये सब बना लेते हैं फिलहाल हम लोग भी, लेकिन अब नहीं करते हैं, कई साल हो गए छोड़े पढ़ाई की वजह से। और ये ऊपर का देखिए क्या हाल है, इसमें काला काला हो गया एकदम, डामर की तरह लग रहा है। 2 तल्ला ये भी है, 2 मंजिला है ये भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे दूध जमाने के लिए ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाम भी नहीं याद है मुझे इसको, कोठली। तो गाइस आइए बकरी में एंट्री करते हैं, अभी तो बकरी में नहीं थे, बकरी के बाहर वाला जो 3 रूम था उसमें एंट्री किए थे पुराने वाले में। ये हमारा बकरी है, और बकरी में जैसे एंट्री करेंगे, ये किचन, ओसार में किचन है, यहाँ पे आइए, ये किचन है, ये पीढ़ा है, यहाँ बैठ के मम्मी हमारी खाना रोटियाँ बनाती है, ये चूल्हा है, चूल्ही बोलते इसको, चूल्हा नहीं चूल्ही है, इसमें 2 छेद ऊपर है, और एक यहाँ से ऊपर ही ईंधन डालने के लिए, ऊपर ही कंडा यहाँ पे, सब इसको ऐसे तोड़ के इसमें ऐसे लगा के आग जलाया जाता है फिलहाल। आज हमारी माता श्री चूल्हिया में खाना बना रही हैं, देख पाइएगा, और ये सब्जी बन के तैयार है यहाँ पे, आलू दम की तरह है, और इसमें चावल है, रोटी तवा पे, और यहाँ पे चल रही है चूल्ही, इतना आटा लगा है, चीजें ये है, ये माठा मारने वाला औजार है, इसको कोठरी बोलते हैं, ऊपर वाला क्षेत्र है, और ऊपर एकदम काला हो गया धुआं से, और जो अंदर का सीन कुछ इस तरह, ऊपर ईंधन लकड़ी रखा जाता है, काफी लंबा ऊपर वाला भी एरिया है, क्योंकि जितना बड़ा ये यहाँ से है ना, यहाँ से लेके वहां तक देख पाइएगा, वहां जहाँ छोटा भाई खड़ा है वहां तक है पूरा। ये है हमारे बकरी वाला, नहीं 5 रूम का कच्चा बकरी है ये, तो ये कैसे को कच्ची बकरी बोलते हैं फिलहाल। यहाँ पे भाभी जी
छोटी बिटिया को जो है कि कपड़ा वपड़ा पहना रही है हमारी, अभी जू करके देख पाइएगा। हेलो बोलो गुड़िया, हेलो बोलो, कोई नहीं। तो आइए दिखाते हैं बकरी का रूम जो है, ये छोटू बेटा है हमारा। पतो रहा थे मन, ये पतोहू वाला रूम हुए, तो बहुत कम आना होता है हमारा अंदर यहाँ। पतोहू का रति शादी हो गया है, एक नातिन एक नाथ हमारे भी हैं, खेलते हैं, उनका भी फोटो लगा देंगे देख पाइएगा। और ये अलमारी है तीन वाला, इसको कपड़ा पहना कर रखा गया ताकि मुरझा ना लगे। और ये इसको क्या बोलते हैं यार छोटू, सिंगारदान, इसमें मिरर है बड़ा सा, और इसमें पूरा हमारा बॉडी शॉडी आ रहा है एकदम, डोलेस वाले मस्त दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वो सारे जैसे वहाँ पर रसोई रसोई पहला दिखाया था किचन ना, सेम उतने स्पेस इसमें भी है, वो भी ओसार ही था बना था, लेकिन ऐसे ही व्यवस्था उसमें भी टाँग वाली है देख पाइएगा। इस पर अगर लकड़ी रख के रखा जाए तो टाँग की व्यवस्था हो जाए पूरा वीआईपी। और यहाँ से बाहर निकलेंगे हम, बकरी से बाहर निकल गए, ये बरामदा टाइप का है, इसको भी ओसार बोलते हैं। भाभी हमारी काम कर रही हैं, जैसा कि दिखा पा रहे हैं हम आपको, बड़ी वाली भाभी हैं राहुल की अम्मा जी। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्यारा सा घर जो है, और कुछ इस तरह सीन है। और कुछ जो चीज़ें रह जा रही हैं भी हम आपको ड्रोन साथ दिखाते हैं, यानी ऊपर से दिखाते हैं पूरा बकरी हमारा कैसा लग रहा है आपको। और सामने हमारे जैसे देखेंगे एंट्री करेंगे दो नीम का पेड़ है, और साथ ही देख पाइएगा ये तीन रूम जो है पक्का बना हुआ है। और कुछ ऐसा है पता नहीं कब तक रहेगा ये कच्चा बकरी, कब तक पक्का आ जाएगा बन जाएगा हम लोगों का। यार आप ही लोगों के माथे बनाए स्टार्ट किए हैं कि आप लोग जब ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हम शायद कुछ नया कर पाएँ अपने वीडियो में और आप लोग नई चीज़ें दिखा पाएँ। क्लिक कर कट कर, तो गाइस देख पाइएगा यहाँ से जो हमारा प्यारा सा घर दिख रहा है, और घर के आसपास का जो नज़ारा है, खेत हमारे पीछे अगल बगल में खेत है, ये अरहर की खेती की गई है यहाँ पे। और ये पीछे बन रहा है घर अभी नया नया, बड़े पिताजी का नहीं परिवार वाले लोग हैं घर गिरा के, और सरकारी आवास है कॉलोनी है। फिलहाल उस तरफ का जो खेती देख पाइएगा, प्याज लहसुन खेती की गई है, वहाँ का ब्लॉग एक डाले हैं, शायद आलू वाला खेती जब हम कर रहे हैं तभी डाले हैं, कुछ इस तरह है। और हमारे जस्ट सामने देख पाइएगा ये रोड भी गई हुई है यहाँ से, तो वो नज़ारा है कुछ यहाँ का। मुझे बहुत प्यारा लगता है हमारा गांव, लेकिन कारण जानते हैं आपकी पढ़ाई की वजह से, और किसी कारणवश यानी घूमना फिरना हमारा इतना ज़्यादा होता है कि महीने में एक आध बार आ पाते हैं। फिलहाल हमारे छोटे भाई हैं, ये भी एक ब्लॉगर हैं, और हमारे घर की पल पल का अपडेट ये अपने ब्लॉग के माध्यम से देते रहेंगे, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है देवा गोरा शॉर्ट्स। फिलहाल अभी उस पर शॉर्ट भी डालते हैं, इनके 5000 सब्सक्राइबर प्लस कम्प्लीट हो चुके हैं इनके, और चालू करेंगे अभी जल्द ही ये लॉन्ग वीडियो डालने का, क्योंकि अभी घर पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अभी बीसीए करते हैं, कंप्यूटर साइंस से भाई इंजीनियर बनेंगे हमारे। तो हमारा बकरी है कुछ इस तरह दिख रहा है ऊपर से, और यहाँ से जो नज़ारा है हमारे द्वार का और घर का वो ऐसे दिख रहा है। दोस्तों आपको दिखा पा रहे हैं ये हमारे घर के पीछे का जो एरिया है, क्षेत्र है, खेत है, तो काफ़ी हरे भरे यहाँ का भी वातावरण है हमारे खेत के आसपास का। फिलहाल सूर्यास्त होने वाला है, और ये बगल का जो सीन देख पाइएगा आपको दिखा रहे हैं जो हम, तो यहाँ से हमारे घर के सामने का जो नज़ारा दिखता है कुछ तरह दिखता है। सामने एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, बहुत काफ़ी पुराना है, हमारे घर के सामने तीन नीम के पेड़ भी हैं जो कि हमें छाया प्रदान करते हैं। जैसे आपको पता होगा तालाब भी बहुत बड़ा है, काफ़ी विशाल काय है। गाय जी हमारे घर यानी कि कच्ची बकरी के पीछे का हिस्सा है, देख पा रहे हैं आप, तो पीछे किस तरह खेत खलिहान है वो भी दिख रहा होगा यहाँ से आपको, ये भी देख पाइएगा। ये हमारे हाथ में मिस्टर रॉकी हैं, जो कि हमारे परिवार के नए सदस्य हैं, और ये काफ़ी दूर से आए हुए हैं हमारे परिवार में इंट्रोड्यूस हुए हैं। फिलहाल हमारे दादाजी हैं। दादाजी ये जो अपना बकरी है कितने साल इसकी आयु है? 90। अभी कितने साल हो गए? अरे 50 बरस हो गए। 50 बरस हो गए हैं, अभी 40 साल जैसे कि इसका और आयु है। फिलहाल ये देख पाइएगा ये गुड़िया हमारे भैया की बिटिया है, बोलो गुड़िया हेलो। तू भी बोल नहीं रही है, अभी इनके सिर में खुजली हो रहे हैं, क्यों है का? लुलू है का मुड़वा में? लुलू है बस है। और ये सामने भैंसिया है और गैया है, ये सांड है, ये पड़वा है। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं पिंड, मिलेंगे ऐसे ही किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।